एक मिनट। तो दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मों यहाँ पर। आप मुझसे बात करते हैं कि डबिंग कैसे करते हैं। देखो, सिनेरियो बड़ा चेंज हो गया है। पहले आर्टिस्ट स्टूडियो में जाता था, वहाँ डबिंग होती थी, लेकिन जिस तरह से सीरियल्स बनते हैं, डेली शूटिंग होती है, और मतलब सुबह आप शूट करते हैं और शाम का टेलीकास्ट होता है, उस हॉचपॉच में उतना मतलब इतना जो फटाफट काम जो होता है उसमें आजकल डबिंग सेट पर ही होने लगी है। तो ये हमारे दोस्त हैं, आपका शुभ राम सर। करण नायडू। तो करण भाई, आपका मेन काम क्या है? सर, जैसे कि अभी आपको डबिंग का तो डबिंग के बारे में तो मालूम ही होगा सर। जैसे कि हम लोग कभी आउटडोर शूट करते हैं या फिर हम इंडोर भी शूट करते हैं, हमारे ज्वेलरी, जैसे कि अगर डायलॉग के बीच में कभी ज्वेलरी की आवाज़ आती है या टेक्निकल रिजेक्शन, कोई भी नॉइज़ आती है, हाँ, जैसे कि कोई भी नॉइज़ आती है जो चैनल रिजेक्शन करने से पहले, तो एडिट टीम जो रहती है वो उसके ऊपर काम करती है। तो जैसे कि उसको फिर डबिंग करा लेती है, तो जैसे ही डबिंग कराते हैं तो ताकि क्लियर डायलॉग उनके पास पहुंच जाता है, और क्लियर डायलॉग बोलने के बाद में जब डायलॉग क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद में हमें मास्टर निकालने भी बहुत इजी पड़ जाता है, हमें कोई रिजेक्शन नहीं आती है। ओके, तो ये जो आप काम करते हैं, ये डबिंग आप करवाते हैं, तो आपकी कोई डेजिग्नेशन है? जी सर, मैं डबिंग रिकॉर्डिस्ट हूँ। डबिंग रिकॉर्डिस्ट, yes, तो ये है डबिंग रिकॉर्डिस्ट। मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, आपका जिस तरह से आप आते हैं, जिस तरह से आप हर एक एक्टर के पीछे भागते हैं कि फटाफट डबिंग करवा लो, यू नो जी सर। तो जिस तरह से मैं आपकी अप्रोच देखता हूं एक्टर्स के लिए, तो सैल्यूट है आपको। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। थैंक यू सर। और अब हम दिखाएंगे कि डबिंग कैसे होती है। जी सर। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सीन है, अभी सीन के हिसाब से हम डबिंग करेंगे। सीन में जो मैंने डायलॉग्स बोले हैं वो मेरे कान में सुनाई दे रहे हैं, और मैं उनको देख कर और उनको सुनकर वापस वही लाइन बोलूँगा, और ये बाद में जो हमारे रिकॉर्डिंग से ज़्यादा हैं ये उसको मैच करेंगे। राइट राइट सर जी। चलिए, लिपसिंग करेंगे, लिपसिंग मोड भी देखेंगे। ओके, मोड और लिपसिंग दोनों अच्छा होना चाहिए। हाँ, दोनों चीज़ें जी। काफ़ी टफ काम है यार। हाँ सर। जी जी साहब, क्यों तकते रहते हो, क्यों पकते रहते हो? मिला अचानक शोक सभा, थोड़ा सा फास्ट है सर। फास्ट? थोड़ा सा। अच्छा, अचानक शोक सभा मिला जी। एक वन मोर टेक करते हैं सर। एक वन मोर टेक करते हैं। ओके, अचानक शोक सभा, क्यों शोक सभा? जी, जो बात तो कह रही है ना, हमारी समझ में ना आवे। मिला, देखो एक बार मर जाते सर। जी, जो तू बात कह रही है ना, हमारी समझ में नहीं आवे है। ये अचानक से तेज हवा चल रही है। वापस लेके जा रही, मूड नहीं बना। नो प्रॉब्लम सर, वन टेक। ये अचानक से तेज हवा चल रही है। एक वन टेक करते सर। ये अचानक से तेज हवा चल रही है। हमारी बाई आंख सुबह से फड़क रही है, कुछ बुरा होने को है, कुछ पाने को है, कुछ खोने को है, कुछ पाने को है, कुछ खोने को है। आ लेते थारे दिल में छुपी है, थारे दिल में छुपी है जो चाल। क्या हो रहा है ये? पानी पी लो सर। नहीं नहीं नहीं, आवाज बोलो। थारे दिल में छुपी है जो चाल, वो जरा बता दे। मिला? एक ऑप्शन टेक लेते हैं।
तुम्हारे दिल में छुपी है जो चाल वो जरा बता दे, ये मिलेगा। थोड़ा फास्ट हो गया, एक मिनट में रहते, थोड़ा स्लो। ओके, थोड़ा स्लो। थारे दिल में जो छुपी है चाल वो जरा बता दे। और थोड़ा एक्चुअली सर वहां पे ना आपने एंड में है ना वो जरा बता दे ऐसा किया। थारे दिल में छुपी है जो चाल वो जरा बता दे। अब ये देखिए, अब ये मासा जी आई हैं, हमारी रूपा जी, रूपा द्विवेदिया, अब ये डबिंग कर रही हैं। मेरा काम खत्म, अब रूपा जी की बारी आ गई। क्योंकि मैं कहती हूं और शोक सभा के मुख्य मेहमान होंगे। मैम ये डायलॉग पे आपका माइक पे ज्वेलरी लगी, इसके लिए डबा है। क्या क्या? आपके माइक पे ज्वेलरी लगी। ज्वेलरी? ज्वेलरी को ऐसे डबिंग? जहां तारी समझ खत्म हुए है ना वहां से मारी सोच शुरू हुए है। फिर से बहुत इरिटेटिंग आवाज आ रहा है। मैंने इनसे प्रॉमिस लिया है, मैंने कहा आप प्लीज़ अपनी जर्नी बताएं, बिकॉज गुजरात इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी तहलका मचाया हुआ रूपा जी ने, तो इनका इंटरव्यू बड़ी जल्दी आएगा। जहां तारी समझ खत्म हुए है ना। आपका निक नेम क्या है पहले ये बताओ। सर निक नेम तो मतलब सब लोग मुझे करण ही बोला, करण ही बोलते हैं। नहीं तो फिर अगर कोई नए सेट पे गया या फिर कोई नए आर्टिस्ट मिले या फिर कोई नया प्रोडक्शन वाला मिला तो वो एक ही चीज बोलते हैं, डबिंग वाले किधर है। डबिंग नहीं, नहीं मैं आपको करण बोलूं। नहीं नहीं सर, सर डेफिनेटली मैंने कभी वो बड़ा गंदा लगता है कि वो डबिंग वाले को बुला दो, सबका ही रिस्पेक्ट है। नहीं, सब नहीं, अपना अपना काम कर रहे हैं जी। और मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मेरे लिए आप बहुत कीमती हैं, रीजन क्योंकि मेरी चीज़ों को आप ही निखार सकते हैं जी सर। हम जब शूट करते हैं तो हमारी वॉइस कई बार हम लोग फंबल कर जाते हैं, कई बार हम लोग साफ नहीं बोल पाते हैं जी। लेकिन एक डबिंग जब हम करते हैं और डबिंग रिकॉर्डिस्ट जो होता है वो आपको आपकी कमियां बता देता है जी सर। तो कब से हैं मतलब इस प्रोफेशन में आप? सर मेरे मतलब 8 साल मुझे कंप्लीट हो गए, ये 9th ईयर है मेरा, ये डबिंग डबिंग केस में डबिंग रिकॉर्डिस्ट एज ए डबिंग रिकॉर्डिस्ट हाँ। और अभी जैसे कि सर आपने बोला ना कि जैसे कि हम मतलब जैसे कि जो चीज़ निकाल सकते हैं जैसे कि फंबल है, मुड़ है, मुड़ है कि नहीं है, तो सर जैसे कि डायरेक्टर सर भी जैसे कि ऑन फील्ड ऑन लोकेशन जैसे कि कुछ आप सीन करते हैं उसमें अगर कुछ बोलते हैं वो कि इसमें और थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, तो वैसे सर हमें भी थोड़ा मतलब जैसे कि एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये डायलॉग में थोड़ा और अगर मूड रहेगा ना तो और अच्छे से आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। और मतलब एक सच बात बोलते सर, एक आर्टिस्ट में भी ना सर एक ये होता है जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट होते जो वन टेक की बेस्ट देते। मैं तो नहीं देता हूं, मैं नहीं देता हूं। मैं सीरियसली बोलूँ ना सर, जो मूड और इमोशन मतलब जैसा आपका सीन है उसमें अगर कोई दूसरा अगर ये कोई सीन करे वो भी अगर मतलब वैसा ही डबिंग करे वैसा ही इंटेंसिटी अगर डबिंग में ला रहे तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो लाना ऐसा मुश्किल है। लेकिन आपका हमेशा डबिंग वन टेक क्लियर है। थैंक यू सो मच। सिर्फ अगर किधर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ यही कि सिर्फ कभी वो मोड में सर आप फास्ट बोलते हो वहां पे भी, करेक्ट, यहाँ पे भी फास्ट रहते, लेकिन कभी एक फ्लो वाइज एक कभी ऊपर नीचे होता है बस, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सर वन टेक डबिंग है सर आपकी। थैंक यू। और जैसे कि सर मतलब अभी हम लोग को अगर आप पूछेंगे ना तो ये शो में तो आपको भी पता है सर पूरा सीन के डबिंग ही आते हैं, क्योंकि किधर ब्लो फैन किधर टेक्निकल प्रॉब्लम है सब चीज। तो ये सीन में डबिंग करने के लिए सर हम लोग भी सोचते हैं कि मतलब अभी आर्टिस्ट आएंगे वो डबिंग करेंगे कितना टाइम लगेगा ये वो, लेकिन आपकी डबिंग कितने भी आती है ना तो मतलब मुझे कुछ ऐसा ये नहीं है कि ये सब मुझे एक वन टेक में मिल जाता है। भी तारीफ कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं जो भी है सर ट्रुथ में वो बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे भी, लेकिन बाकी सब भी आर्टिस्ट जो है ये जी के पी एम और मतलब शो में जो भी आर्टिस्ट है
सभी वनटे घाटे से ऐसा नहीं है, सभी अच्छा देते हैं सर। 9 साल आपको एज डबिंग रिकॉर्डिस्ट, तो भाई पूछना नहीं चाहिए, फिर भी ये प्रोफेशन में आपको मजा आ रहा है? सर सीरियसली बोलूं तो मुझे आता है मजा। वेरी गुड, सीरियसली, क्योंकि कोई भी काम करो उसको जब तक मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तब तक ये करके मतलब नहीं। और सर मेरे लिए ऐसा नहीं कि मतलब मैं नया नया प्रोजेक्ट आता है, मैं कभी भी अगर कोई भी नया आर्टिस्ट से मिलता ना तो मुझे कुछ सीखने मिलता है। ओह ग्रेट, तो अगर मान लो क्योंकि काफी सारे बच्चे देख रहे हैं जी जी मेरा चैनल है फिल्मी फिल्मोनिया जी सर, तो ये भी एक प्रोफेशन है, मतलब एक डबिंग रिकॉर्डिस्ट राइट सर। तो अगर कोई बच्चा आना चाहे डबिंग रिकॉर्डिस्ट बनना चाहे तो वो कहाँ से शुरुआत करेगा? सबसे पहले तो सर मैं एक चीज बोलना चाहूँ कि कोर्स बहुत सारे हैं, कोर्स हैं, अच्छा कोर्सेज बहुत सारी कंपनीज के हैं जो लोग सिखाते हैं। अभी जैसे कि मैं ये जो प्रोफेशन में आया, ये मेरे जो सर है सीताराम नायक, अच्छा। वो मेरे सर है, वो मेरे बॉस है, तो वो ये प्रोफेशन में थे तो मैं उनके थ्रू सीखा। उन्होंने सिखाया? जी उन्होंने मुझे सिखाया। कल को कोई बच्चा आपसे सीखना चाहे तो आप सिखाएंगे? जी सर जरूर, अगर मेरे पास में कुछ हुनर है जो मैं मतलब मैं किसी और कोई अगर सीखना चाहता हूँ, अगर वो सीख के कुछ अपना कुछ करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता, तो जरूर। ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं, ही बेकार की बातें करते हैं, हमारी इंडस्ट्री खराब है। नहीं सर जरूर, कोई भी अभी सर हमारे पास में भी, और मतलब हमारी पूरी टीम है, 8 से 9 लोगों की टीम है जो हम लोग पूरा काम करते हैं, तो हमने एक दूसरे को ऐसे ही सीखा, क्योंकि सर कोर्स है ना सर वो ओरल है, ओरल करके ये प्रैक्टिकल है। हाँ, और मेरे हिसाब से सर ओरल कभी भी काम नहीं आता है, आप प्रैक्टिकल जब तक कोई चीज नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाए। लेकिन उसमें भी काबिलियत होनी चाहिए उस बच्चे में जो आपके पास आना चाह रहा है, उसमें काबिलियत इतनी हो कि वो लगन से सीखे जी। क्योंकि हमारे यहाँ कोई टाइमिंग होता नहीं भाई, कभी भी भागना पड़ता है जी। रात के 2 बजे डबिंग निकल आई तो 2 बजे आर्टिस्ट के घर को पहुंचना पड़ता है जी। मतलब ऐसा होता है, एक बार ऐसा ही हुआ कि मेरी डबिंग थी तो मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता, तो बेचारे जो डबिंग रिकॉर्डिस्ट थे वो घर पे आए, घर पे आके रात के 2-2:30 बजे मेरी डबिंग की। तो ये आपका यार, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो जो आना चाहता है इस प्रोफेशन में उसको भी उतनी मेहनत करनी होगी जी। सर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे घर पे कुछ फंक्शन भी रहता ना, तो मेरे घर पे मेरे मम्मी मतलब मम्मी और डैडी को मेरे को बताता नहीं कि फंक्शन है, क्योंकि उनका पता है कि मतलब टाइम ही नहीं मिलना, क्योंकि सर ऐसा नहीं, लेकिन एक चीज है कि अभी हम कोई प्रोफेशन में है तो उधर हमें, और सर हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है आपको भी पता है कि हमें डे नाइट काम करने पड़ता है सर। दिन में अगर शूट होता है, रात में एडिट होता है, रात में एडिट होकर मास्टर फाइनलाइज होता है, फिर उसके बाद में उसके अंदर जो भी डबिंग है, DI है, डॉल्बी है, ये पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का काम में सर डे नाइट हो ही जाता है सर। करण कितनी सैलरी मिल जाती है एक बच्चा अगर कुछ चलो सीख लेता है? सर अभी जैसे कि अब आपको तो 9 साल हो गए, आपको तो काफी एक्सपीरियंस हो गया। 9 साल हो गए तो सर मेरे को अप्रोक्सीमेटली 50 अराउंड आ जाता है, मतलब 50,000 एक महीना आराम से कमा लेते हैं। सोचिए 50,000 कमाना, कहने को 50,000 है लेकिन वो 50,000 के लिए कितनी मेहनत है आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, इनको कितना सॉफ्ट रहना पड़ता है, कितना मीठा बोलना पड़ता है, बिकॉज इनको आर्टिस्ट से काम निकलवाना है, इनको आर्टिस्ट से डबिंग करवानी है। तो 50,000 मिलते हैं लेकिन उस 50,000 के लिए इनकी कड़ी मेहनत है जी सर। तो मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे भाई करण, थैंक यू वेरी मच, सुखी रहो, सदा अच्छा करो जी सर, थैंक यू वेरी मच, और अच्छी अच्छी डबिंग करवाओ मुझसे जी सर डेफिनेटली। अभी करण भाई कुछ दिखाना चाह रहे हैं, अभी जो हमने डबिंग करी है वो दिखाना चाह रहे हैं। अभी मैं जैसे कि दिखाना चाहता हूँ कि डबिंग एक्चुअली क्या होती है। अभी ये सीन में आप देखेंगे कि इधर ब्लोअर चल रहे हैं, आप पीछे देखेंगे तो कपड़े का मूवमेंट हो रहा है, आप अभी इनका भी देखेंगे तो इनके बाल का मूवमेंट और कपड़े के मूवमेंट हो रहे हैं। तो ये सीन में ब्लोअर चला तो ये डायलॉग जो है वो क्लियर नहीं है, तो इसमें टेक्निकल रिजेक्शन आ जाएगा चैनल से, तो इसी रीजन की वजह से हमें ये पूरा डब करना पड़ रहा है। ये एक है जो जैसे कि जिनको डबिंग के बारे में नहीं मालूम हम उनके बताना चाहेंगे ये चीज। और सेकंड चीज, अभी ये भी इनका भी जो है, अभी ये भी जो ये सीन भी जो डबिंग आया, ये सीन डबिंग आने के पीछे रीजन ये है कि आप इनके ज्वेलरी देखेंगे जो जो जेवर पहने जी, अभी आप देखेंगे, एक मिनट में आपका भी बताया था, ये इनके पूरे ज्वेलरी है, इसके अंदर घुंघरू है, आप कान में देखेंगे हाँ। इसमें भी घुंघरू है, तो ये बजते हैं, जब ये बजते हैं तो ये सब टेक्निकल रिजेक्शन आ जाता है चैनल से। ओ जी, और अभी आप ये जो
मेल आर्टिस्ट है, अभी आप सोचेंगे मेल आर्टिस्ट का डबिंग करता है, उनमें ज्वेलरी नहीं रहता है, ज्वेलरी इनमें भी है। आप इधर देखेंगे और से तो ये देखिए, इसके अंदर सब घुंघरू है। ये घुंघरू के बजने की वजह से ये टेक्निकल रिजेक्शन हो जाता है, जो कि चैनल एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, इसके लिए हम ये डबिंग करते हैं पूरा एपिसोड या फिर सीन या जो भी रहता है वो। तो देखा, मतलब ये कितना महत्वपूर्ण काम है, मतलब डबिंग। ओमपुरी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एक खासियत सबको पता है, जब वो सीन करते थे तो सीन के बाद जब वो डबिंग करते थे उस सीन की, तो वो सीन को आप समझ लीजिए उनको 100 गुना ऊपर वो उस सीन को ले जाते थे। डबिंग से वो उस सीन को बहुत बड़े स्केल पे दिखा देते थे, मतलब इतने अच्छे डबिंग आर्टिस्ट थे वो, मतलब उनकी डबिंग बड़ी पकड़ थी, ये हमने सुना है, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है। और किसी भी आर्टिस्ट को, अगर वो आर्टिस्ट एज एन एक्टर काम कर रहा है, तो उसको डबिंग की भी समझ होनी चाहिए। जी, और सर अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं, मतलब मुझे तो 9 ईयर्स हो गए, तो ऑफकोर्स मैं बहुत सारे आर्टिस्ट लोग के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ है डबिंग के रिगार्डिंग। मुझे बहुत आर्टिस्ट ऐसे मिले, मतलब मुझे तो 80% आर्टिस्ट ऐसे मिले कि जिसमें वो बोलते हैं कि डबिंग करने से सीन मर जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता सर। एक्चुअली मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं भी ये बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपने जो वहाँ पे किया, आप वो सीन को और अच्छा कर सकते हो डबिंग में। एग्जैक्टली, अभी जैसे कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट डे आप मतलब मेरी जब मुलाकात आपसे हुई, आपने बोला डबिंग है, मैंने बोला हाँ सर, तो जैसे कि आपने तभी मेरे को बोला था कि 10 टेक लेना 20 टेक लेना, लेकिन मेरा मुझे मालूम है डबिंग में अच्छा निकलता है, तो डबिंग अच्छे करके चाहिए। सर एक्चुअली ऐसे आर्टिस्ट जब मिलते ना, तो सर हमें भी है ना मजा आता होगा, एक मजा आता है कि हाँ डबिंग करें ये आर्टिस्ट से। अगर हम एक और टेक मांगेंगे तो हमें और एक और टेक मिलेगा। हम डबिंग में कोई अगर बोलता है कि सीन मर जाता है, हाँ मतलब अभी कोई कोई आर्टिस्ट बोलेंगे कि मतलब ऐसा, अगर एक डबिंग के लिए भी सर एक एकॉस्टिक रूम होना चाहिए, एक मतलब बोलते हैं ना, अभी हमें भी डबिंग के टाइम में बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, तो वो एक रीजन है, लेकिन डबिंग में सीन नहीं खराब। बट मोस्टली मैंने देखा है कि अब तो डबिंग स्टूडियोज में जाके तो डबिंग होती ही नहीं है, बहुत कम रेयर चांस होता है कि डबिंग। एक्चुअली सर हम इतना कट टू कट रहते हैं ना कि सर वो टाइम ही नहीं है, क्योंकि सुबह शूटिंग कर रहे हैं, शाम को टेलीकास्ट हो रहा है। आज ही सर आप आज का ही देख लीजिए, आज हम सुबह टेलीकास्ट करिए, आज शाम का टेलीकास्ट, जो सीन आपने देखा है आज शाम का टेलीकास्ट है, सोचिए आप। तो इतनी कट टू कट हम काम करते हैं और आप लोगों का मनोरंजन करते हैं, और मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ जो इस इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटा सा भी काम कर रहे हैं, वो काम उनके लिए बहुत बड़ा है। स्पॉट बॉय से लेके, लाइटमैन से लेके, जो बूम मैन होता है, सबको सलाम। 9 साल का सफ़र आपने बताया, पैसा भी बता दिया आपने। जी सर, और उम्मीद करता हूँ कि जो कोई बच्चा अगर इनको देख रहा होगा तो इनसे समझा होगा कि डबिंग किसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। कभी मौका लगे मैं इनका मेल आईडी आपके इस वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको मेल करें। अगर इनको लगेगा उस बच्चे में काबिलियत है तो वो ज़रूर करण भाई उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने भी, हम भी ऐसे ही आए थे, आप भी ऐसे आए हैं, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। जी सर, हम मैं सपोर्ट करने के साथ 101% में रेडी हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर मैं एक चीज, मतलब एक चीज़ चाहूँगा कि अगर मैं अगर किसके ऊपर अगर ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो अपना 100% दे, वो अपना, वो ये ना बोले कि आज नहीं मैं कल आता हूँ, आज छुट्टी चाहिए, नहीं तो वो हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं। जो कल गया तो गया गया कल का सवाल। अभी आप सर मानेंगे नहीं, हमारी टीम में जो भी 8 से 9 बंदे, हम लोग 9 बंदे टोटल है जो काम करते हैं, इसमें सर और 2-3 बंदे भी थे जो ट्रेनिंग के बीच में ही चले गए, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में ही थे, तो वो चले गए। तो क्योंकि सर ये काम हर एक के बस का नहीं है, करेक्ट। और अगर खुद को अगर कुछ करना है तो सर हमें सब कुछ त्याग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें डबिंग में कोई टाइमिंग नहीं होता, कभी भी जाना पड़ता है, कभी भी एनी टाइम। सर कितने आर्टिस्ट लोगों की डबिंग कर ली होगी आज तक आपने? सर वैसे तो कुछ मतलब आइडिया नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बहुत लोग, 1000 से तो ऊपर ही होगा। हाँ, 1000+ जगह से, 1000+ लोगों के, 1000+ आर्टिस्ट लोगों के साथ बैठकर इन्होंने उनकी डबिंग करवाई है। जी, तो भाई सबसे बड़े इंसान तो ये हो गए, सब आर्टिस्ट इनके पास आके बैठते हैं, हाँ भाई डबिंग करवा ले भाई, भाई डबिंग करवा ले भाई, नहीं सर। लेकिन मुझे भी कभी कभी सर ऐसा मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि आज मतलब एक ये प्लेटफॉर्म मिला। नहीं दोस्त, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने आप
आप मुझे मिले, रीजन क्योंकि अगर मेरा सीन खराब होगा तो मेरे लिए शर्मिंदगी वाली बात है। आप उसको निखारते हैं आपका जी। मैं फिर एक बार सलाम करता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये थे करण जो डबिंग रिकॉर्डिस्ट हैं, मैंने इनसे आपको मिलवाया, इन्होंने दिखाया कि कैसे करते हैं काम। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नई सोच के साथ। जुड़े रहिए, धमाल करते रहिए, मस्ती मारते रहिए और बस बाकी तो पता है करना क्या है तुमको, पता है ना, पक्का ना, डन ना। चलो भाई। चलो भाई।